हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्रोडे गाइड शिवांश भसीन पे। तो गाइस, आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गाइस पांच स्टॉक्स जो आप कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं, ट्यूसडे को, यानी कि 17th ऑफ दिसंबर को ट्रेड करके चल सकते हैं। तो ये पांच स्टॉक्स मैं आपको चार्ट पे लेकर जाऊंगा, वहां पर ही आपको मैं आपके टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस बताऊंगा, चार्ट पे ऐसा क्या बन रहा है कि वो मैं आपको बाय या सेल के लिए दे रहा हूँ, और उसके साथ ही आपको टारगेट और स्टॉप लॉस बताए जाएंगे। तो आप जरूर उसे नोट कर लीजिएगा, कहीं पर भी आप नोट कर सकते हैं, एक्सेल शीट बना सकते हैं, या फिर आप कॉपी पेन लेकर एक नोट कर सकते हैं कि कल सुबह जब मार्केट ओपन हो तो आप उसके पर्टिकुलरली के अकॉर्डिंग ट्रेड ले पाएं और अच्छे से पैसा कमा पाएं। तो गाइस, कल के कौन से ऐसे पांच, मंगलवार के लिए कौन से ऐसे पांच बाहुबली स्टॉक्स हैं, तो हम उसकी बात करते हैं जो आपको धमाकेदार मुनाफा दिलवा सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक गाइस, आपको शॉर्ट की सलाह दी जाएगी एक्सिस बैंक के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक पर्टिकुलरली रेंज के अंदर ये काम कर रहा है एक्सिस बैंक। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लोअर साइड पे ये जो एक बना रखा है रेंज, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, और एक हायर साइड में जो रेंज है वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सो आप देख सकते हैं कि जब भी हम देखते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है एक्सिस बैंक, तो वहाँ रेजिस्टेंस फेस करके हम दोबारा नीचे देखते हैं, और एग्जैक्ट इसी रेंज पे दोबारा एक बाय सिग्नल जनरेट होता है, सपोर्ट से उछलता है और दोबारा ऊपर जाता है। सो आप देखिएगा कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पर जो उसने एक मूवमेंट दी थी, यानी कि 13th ऑफ दिसंबर को, उसके अगले दिन यानी कि आज हमने देखा एग्जैक्ट वही उसका हाई था जो उसका प्रीवियस हाई था प्रीवियस दिन का, और वहां से हमने एक गिरावट देखी है एक्सिस बैंक के अंदर। और एग्जैक्ट अगर हम देखें तो गाइज, एक ये जो रेजिस्टेंस रेंज है वो रेजिस्टेंस रेंज से नीचे ही जाके उसने अपनी क्लोजिंग दी है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सिस बैंक पे एक शॉर्ट हम लेकर चल सकते हैं, दोबारा अपने डाउन साइड की रेंज तक आ सकता है, और जो मैं पहले टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं गाइस, पहला टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो पर्टिकुलरली ये लाइन है। मैं इस लाइन को थोड़ा और जूम कर देता हूँ कि आपको क्लियरली दिख जाएगा गाइस, ये लाइन है जो मुझे लगता है कि पहला टारगेट यहाँ तक हम अचीव करते हुए चल सकते हैं। सो आप देख सकते हैं, आपको ये रेड कलर का जो बॉक्स है और जो ये बॉक्सेज हैं, आपको पता चल रहा होगा स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है 767 का मेंटेन करना है। पहला टारगेट जो हमारा होगा गाइस, पहला टारगेट होगा हमारा 730 का, और लास्ट टारगेट होगा हमारा 700 का। 730 का टारगेट है वो ये ट्रेंड लाइन है जो कि एक सपोर्ट का काम कर सकती है, यहाँ तक मार्केट सबसे पहले एक्सिस बैंक आ सकता है। सेकंड जो टारगेट होगा वो हमारा होगा लोअर लेवल की जो रेंज है जो सपोर्ट का काम कर रही थी, एग्जैक्ट 700 का लेवल। अब अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करते हैं तो दूसरे स्टॉक है गाइस टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स में भी आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलरली फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा था। ये आप देख सकते हैं फ्लैग है और ये पोल है, और ये फ्लैग के अंदर काम कर रहा है, तो ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा था। आज हमने देखा था इस रेंज के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया था इसने 13th ऑफ दिसंबर को, जिस तरीके से आपको पता होगा, और वहाँ पर हमने ब्रेकआउट देखने के बाद हमने देखा था क्लोजिंग जो दी उसने नीचे दी, और ये एक शूटिंग स्टार टाइप एक कैंडल हमें फॉर्म होते हुए देखने को मिली है। सो हम देख रहे थे एक रैली आई चार दिन, उसके बाद एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, और हमने एक जो अगली कैंडल देखी, यानी कि जो शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद जो अगली कैंडल थी, ये जो आप देख सकते हैं आज की कैंडल, वहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने जाके अपनी क्लोजिंग करी है, और उस लाइन के नीचे जाके उसने अपनी क्लोजिंग करी है। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से अब और एक ज़्यादा डाउन साइड आ सकती है, और वो डाउन साइड इस पर्टिकुलरली ट्रेंड लाइन तक आ सकती है जहाँ पर ये एक बार सपोर्ट ले सकता है। सो स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है गाइस 183.70 का मेंटेन करना है टाटा मोटर्स के अंदर। 168-157 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हैं टाटा मोटर्स के अंदर। सो आप ये लाइन देख पा रहे होंगे गाइस, ये जो लाइन है प्रीवियस पे भी अगर हम लाइन को और आगे एक्सटेंड करें ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस फेस करा, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करा, इधर सपोर्ट आप देख सकते हैं दो बार सपोर्ट लेने की कोशिश करी इसी लाइन पे, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करा। तो ये लगता है कि हम एक्सट्यूम करके चल रहे हैं कि टाटा मोटर्स पे एक फ्रेश शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं जो कि यहाँ से 10-12-20 रुपये तक की मूवमेंट हमें दिला सकता है नीचे डाउन साइड में। थर्ड आते हैं गाइस आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक पे जैसा कि आप देख रहे हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेवलप हो रहा है, लेफ्ट शोल्डर और हेड तो डेवलप हो चुका है गाइस, और राइट शोल्डर भी डेवलप हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो लेफ्ट और राइट शोल्डर है जो उसके जो टॉप्स है एग्जैक्ट सेम है, सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से एक डाउन साइड आ सकती है। दूसरी बात अगर आप देखें तो 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो डेली चार्ट पे बना उसके नीचे ऊपर जाने में इसने कामयाब करा था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे, जब हमने एक बहुत तेज़ी से मार्केट में मूवमेंट देखी थी, पर आज के ट्रेडिंग सेशन पर उसने दोबारा उसके नीचे जाके क्लोजिंग दे दी विद बियरिश रेड कैंडल के साथ। सो आप देख सकते हैं कि ये आप देख रहे होंगे, तो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 354 का। 310 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आरबीएल बैंक के अंदर। सो आप जैसे कि इस पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस दिख रहा होगा, स्टॉप लॉस आपको 18 रुपये का लगाना है, और जो टारगेट है वो आपके 24 से 25 रुपये तक के हैं।
सो इस तरीके से ही हम आपको कॉल्स प्रोवाइड कराते हैं। वॉकआउट फार्मा की बात करें तो आप देख सकते हैं ये एक तरीके का पैटर्न है जो मैंने आपको अभी अपने थंबनेल में भी दिखाया था। ये गाइस एक जो पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को कहते हैं हम बुलिश बैट पैटर्न। ये गाइस बुलिश बैट पैटर्न होता है और आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर भी ये काम कर रहा था और रेंज से ही इसने यहाँ पर एक अपसाइड दिखाना शुरू करी और दूसरी बात यही रेंज पे इसने एक बुलिश बैट पैटर्न बनाया। ये आज हमने आज ही देखने को मिला, वरना हम आपको इसी लेवल पे बता देते थे कि 4 दिन पहले ही आपको इसमें बाय करवा चुके होते। अभी भाई गाइस कुछ ज़्यादा देरी नहीं हुई है, 5-6 रुपये ही ऊपर निकला है। सो आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो गाइस स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको अराउंड 230 पे। 230 का आपका स्टॉप लॉस होगा वॉकहार्ट फार्मा पे। और जो हम टारगेट पहला लेकर चल रहे हैं वो है 263 एंड हमारा जो लास्ट टारगेट होगा वो होगा 280 का, यानी कि 15 रुपये तक का हमारा स्टॉप लॉस है जिसमें से 35 रुपये तक के हम टारगेट्स अचीव करते हुए चल सकते हैं वॉकआउट फार्मा के अंदर। सो इसी तरीके से हमने आपको ये कॉल्स प्रोवाइड कराई हैं। लास्ट आता है गाइस HDFC AMC। HDFC AMC का पैटर्न आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि बहुत पहले से ही बन चुका है और मैंने अपने क्लाइंट्स को बहुत पहले ही यहाँ पर एक बाय पोजिशन की सलाह दे दी थी और यहाँ पर मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी शायद डाला होगा, मुझे याद नहीं, पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्ट इस लेवल से इसने एक मूवमेंट दी थी, यानी कि 2900 के लेवल से इसने मूवमेंट दी थी और वहाँ से कम 200 से 250 पॉइंट बढ़ चुका है अभी भी। और अभी भी गाइज इसकी अपसाइड बाकी है। ये देख सकते हैं ये कि इसका एक स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 3080 का लेवल, 3080 और 3120, ये जो 40 रुपये की जो रेंज थी, 40 रुपये की रेंज में एक स्ट्रॉन्ग इसका हर्डल था, उसके ऊपर आज इसने क्लोजिंग देने में कामयाब कर दिया। तो स्टॉप लॉस जो अब आपको मेंटेन करना है वो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 2940 का। 2940 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। पहला टारगेट जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं, पहला टारगेट हमारा होगा 3235 का और जो हमारा लास्ट टारगेट होगा वो 3450 का होगा। ये दो टारगेट्स आपको दिख रहे होंगे, ये स्टॉप लॉस है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस टोटल हमने 160 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, जो करंट लेवल है उससे 160 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, पर टारगेट भी हमारे 350 रुपये ऊपर है। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि स्टॉप लॉस अगर इतना है तो टारगेट भी उतना है, तो 1:2 का रेशियो है, मतलब अगर 1 रुपये का लॉस है तो 2 रुपये का प्रॉफिट भी हम आपको दे रहे हैं पर्टिकुलर स्टॉक पर। सो आप इसे एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी आप ले सकते हैं। अगर आप इस पर ट्रेड नहीं ले सकते तो आप इसे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बढ़िया ट्रेड रहेगा। डिप में आपको मिलता है तो आप 25-25% करते करते आप इस पर्टिकुलर इस पर अपने स्टॉक्स को बाय करते हुए चल सकते हैं। सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक ज़रूर करिए गाइस, इस वीडियो को शेयर करिए कि बहुत से लोग इस पर्टिकुलरली 5 स्टॉक्स पर कल पैसा कमा सकें और ट्रेड ले पाएँ, और अपने आप फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि हाँ गाइस इस तरीके से ये 5 स्टॉक्स है उस पर क्या पैटर्न बन रहे हैं। तो इस वीडियो को फैला दीजिए गाइस, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कौन से और स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनानी है। मेरे को HDFC AMC के ऊपर एक वीडियो का रिक्वेस्ट आई है, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर रिक्वेस्ट आई है। तो गाइस जो लोग चाहते हैं तो वो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कौन से स्टॉक के ऊपर वीडियो बनानी है, मैं उसके ऊपर लेकर आऊँगा और जल्दी से जल्दी लेकर आने की कोशिश करूँगा। तो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ। मैं शिवांश भसीन, साइनिंग ऑफ।